सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। मास्क पहनाने सड़क पर उतरे शहर के एसडीएम, लोगों को कर रहे हैं जागरूक, लगातार लोगों को सिखा रहे हैं कि मास्क जरूरी है। सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किया है कि मास्क घर से निकलते समय अवश्य पहने और कोरोना महामारी से बचने का एक ही उपाय है मास्क पहनना। क्या बात है, वजह है कि लोग मास्क पॉकेट में रखते हैं लेकिन पहनना उचित नहीं समझ रहे हैं? देखिए, अभी जागरूकता की कमियाँ लोगों में, लोग इस महामारी को बहुत हल्के फुल्के ढंग से ले रहे हैं जबकि इसे बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि पिछले बार की तुलना में इस बार कितना गंभीर मामला है, ये संख्या भी बढ़ते जा रहा है और इस बार घातकता भी ज़्यादा है बीमारी की, लेकिन लोगों में समझदारी की थोड़ी कमी है, लोग इसे बहुत हल्के ढंग से ले रहे हैं। तो मेरा प्रयास यही है कि भाई इसके प्रति, इस बीमारी के प्रति लोग जागरूक हों और जो गाइडलाइन है, जो सरकार के द्वारा जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पूर्णतया पालन करें। और ये और इसी जवाबदेही के तहत मैं डेली निकलता बाजार में, विभिन्न चौक चौराहों पर आप मुझे देखेंगे पाएंगे कि लोगों को मैं जागरूक करता हूँ। मैं मास्क भी बांटा हूँ और लोगों को कहता भी हूँ, अनुरोध करता हूँ, भाई आप लोग मास्क लगाएं और इस बीमारी को गंभीरता से लें, इसे हल्के फुल्के ढंग से न लें। ये काफ़ी घातक बीमारी है और अपने परिवार के, अपने बाल बच्चों का, अपने घर में मौजूद बुजुर्गों की सुरक्षा आपके हाथ में है। सर, एक सवाल है, हर लोगों के पॉकेट में मास्क है लेकिन मैंने वही कहा, पता नहीं मास्क लगाने का प्रचलन अभी क्यों इतना कम है, हमको समझ, लोग मास्क रखे हुए हैं, मास्क पॉकेट में लेकर घूम रहे हैं लेकिन पहनने से पता नहीं क्यों उन्हें गुरेज है। एक रात्रि कर्फ्यू लागू हुआ है, आप नहीं, रात्रि कर्फ्यू बोलकर कुछ नहीं है, धारा 144 तो है ही पूरे क्षेत्र, पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है और जो सरकार का जो नया गाइडलाइन आया कि रात 8 बजे के बाद दुकानें बंद रहेंगी, उसी के अनुपालन में मैं कल रात में निकला था देखने के लिए, बताने के लिए लोगों को, ताकि कोई यह ना कह सके मुझे जानकारी नहीं है। क्या लगा दुकानदार अपने स्वेच्छा से? बिल्कुल, आप सभी ने देखे दुकानदार बिल्कुल अपने स्वेच्छा से बंद किए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुझे कोई बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, न अधिक कोई मुझे मेहनत मशक्कत करना पड़ा, लोग स्वेच्छा से 8 बजते हुए सभी अपने दुकान का शटर डाउन करके अपने घर को प्रस्थान करने लगे। अंतिम सर एक प्रश्न है, आप सड़क पर उतर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो आखिर ये लोग कि क्या लगे कि जागरूकता का अभाव है या जानबूझकर गलतियां कर रहे हैं? जानबूझकर ही कर रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग भी, सभी लोग जान रहे हैं कि कोरोना फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है और इस बार काफ़ी गंभीर रूप से और फैला, घातक रूप से फैला हुआ, सभी लोग जान रहे हैं फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब क्या बोला है, बहुत दुख की बात है, अब कड़ाई करना पड़ेगा, अब फाइन करना पड़ेगा। धन्यवाद। यही ये थे सदर SDO, जिन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर लोगों में लापरवाही दिख रही है, हर लोगों के पॉकेट में मास्क है लेकिन उसे पहनना जरूरी नहीं समझ रहे हैं। साथ ही कहा कि अगर मास्क नहीं पहनेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी से लड़ा नहीं जा सकता है। सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है उसके तहत घर से निकलते समय मास्क अवश्य पहने और अब लोगों को जिस तरह से देखिए, रेड़मा चौक पर हम खड़े हैं और इस शहर का सबसे व्यस्तम चौक कहा जाता है, आप देख सकते हैं कि अधिकतर लोगों के चेहरे से मास्क गायब है और मास्क गायब, लगातार सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, जिला प्रशासन सड़क पर उतर रही है और लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक भी कर रही है और धारा 144 लागू है, एक जगह 5 लोगों को भीड़ नहीं लगाना है, धरना प्रदर्शन सब जो उस पर पाबंदी है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग टेम्पो पर सवार होकर के एक जगह भीड़ इकट्ठा करके रखे हैं। इसी को लेकर लगातार पलामू जिला प्रशासन लोगों को हिदायत दे रही है, सख्ती से भी निपट रही है और लोगों को भी जागरूक कर रही है। बता दें कि यहाँ पर कोरोना महामारी को लेकर देखिए यहाँ पर इलाज भी चल रहा है, लोगों को टेस्ट भी लिया जा रहा है ताकि जो लोग अपना कोरोना जांच कराना चाहते हैं वो उनका जांच भी हो रहा है और सरकार हर चौक चौराहों पर इस तरह के जांच केंद्र खोल कर रखी है कि कोई भी आदमी चाहे तो अपना कोरोना जांच करा सकता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसके अंदर के जो और उसके लिए तैयारी भी करके रखी गई है, लेकिन कुछ जागरूकता का अभाव है और कुछ लोग जानबूझकर ये गलतियाँ दोहरा रही है। ज़रूरत है घर से निकलते समय मास्क पहने, कोरोना जांच केंद्र पर जाके अपनी जांच कराए और जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन सरकार ने जारी किया है उसका पालन करें। कैमरामैन संदीप के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज़, पलामू।